जो भी मुस्लिम भाई इस हिंदुस्तान में, इस भारत देश में रहते हैं, वो इसीलिए उन्होंने भारत देश को चुना क्योंकि उन्हें मंदिर से घंटी की आवाज भी चाहिए थी और मस्जिद से अजान की आवाज भी चाहिए थी। ईश्वरप्पा जैसे लोग समय समय पर आकर देश की एकता, अनेकता और अखंडता को बदनाम करने का काम करते हैं। ऐसे लोगों की से जो जगह है वो जेल के अंदर है। देश से ना तो कोई मंदिर की आरती को समाप्त कर सकता है और ना ही मस्जिद की अजान को समाप्त कर सकता है। भारत देश की पहचान ही इसीलिए है कि यहाँ पर दिवाली और रमजान एक साथ मनाए जाते हैं। आज आप मस्जिद की अजान को बंद करा रहे हैं तो कल को आप मंदिर की आरती को भी बंद कराएंगे, लेकिन हम हरगिज नहीं होने देंगे। ये नाम से ईश्वर है, वैसे कर्म इसके शैतान वाले हैं। मैं आपको बता दूं, जिस तरीके का ये बयानबाजी कर रहे हैं, इस तरीके का बयान सिर्फ देश के अंदर सांप्रदायिक हिंसा को बढ़ावा देता है। ईश्वरप्पा कह रहे हैं कि सर दर्द होता है, आप भी हिंदू हैं तो आपके सर में दर्द नहीं होता है क्या अजान? देखिए, ये नाम से ईश्वर है, वैसे कर्म इसके शैतान वाले हैं। मैं आपको बता दूं, जिस तरीके का ये बयानबाजी कर रहे हैं, इस तरीके का बयान सिर्फ देश के अंदर सांप्रदायिक हिंसा को बढ़ावा देता है। भारत देश के इतिहास में, भारत देश के अंदर जो भी मुस्लिम भाई इस हिंदुस्तान में, इस भारत देश में रहते हैं, वो इसीलिए उन्होंने भारत देश को चुना क्योंकि उन्हें मंदिर से घंटी की आवाज़ भी चाहिए थी और मस्जिद से अजान की आवाज़ भी चाहिए थी। इसीलिए उन्होंने एक सेकुलर राष्ट्र को, यानी एक लोकतांत्रिक देश को, यानी भारत देश को चुनने का काम किया। लेकिन जिस तरीके से ईश्वरप्पा जैसे लोग समय समय पर आकर देश की एकता, अनेकता और अखंडता को बदनाम करने का काम करते हैं, ऐसे लोगों की से जो जगह है वो जेल के अंदर है। मैं आपको बता दूं कि इस देश से ना तो कोई मंदिर की आरती को समाप्त कर सकता है और ना ही मस्जिद की अजान को समाप्त कर सकता है, और इनको समाप्त करने वाला व्यक्ति स्वयं समाप्त हो सकता है, लेकिन वो कभी भी मंदिर की आरती और मस्जिद को अजान को समाप्त नहीं कर सकता, चाहे वो ईश्वर अप्पा हो चाहे कोई सा भी अप्पा हो। अगर आ गई तो हम तुरंत कार्रवाई करेंगे बंद। आप और आपकी जैसी सरकार कई आई और कई गई, लेकिन आज तक कोई भारत देश की एकता, अनेकता और अखंडता की बाल भी बाका नहीं कर पाया। तो आप जैसे लोगों का तो लेवल क्या है, आप लोगों की तो हैसियत क्या है कि आप भारत देश की एकता, अनेकता और भारत देश की संस्कृति पर प्रहार करें? अरे, भारत देश की पहचान ही इसीलिए है कि यहाँ पर दिवाली और रमजान एक साथ मनाए जाते हैं। आप भारत देश की संस्कृति पर प्रहार करेंगे? आज आप मस्जिद की अजान को बंद करा रहे हैं तो कल को आप मंदिर की आरती को भी बंद कराएंगे, लेकिन हम हरगिज नहीं होने देंगे। अगर मस्जिद की अजान की बात आएगी तो हम लोग मुसलमान भाइयों के साथ खड़े हैं, और अगर मंदिर की आरती की बात आएगी तो मैं मुसलमान भाइयों से कहूंगा कि मुसलमान भाइयों को हिंदू भाइयों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलना चाहिए, क्योंकि ये चंद सियासती लोग हमें लड़ाने का प्रयास कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, लेकिन हम लोग हरगिज इनकी बात में नहीं आएंगे। क्या आज हम लोगों के बीच नफरत की दीवार इतनी बड़ी हो गई कि कुछ सियासती लोगों के चलते हम मस्जिद की अजान को बंद कराने का काम करें या मंदिर की आरती को बंद कराने का काम करें? अरे, तो सर दर्द होता है अगर अजान से तो क्या दिक्कत है आपको मोहित शर्मा? नहीं नहीं, एक बात आप मुझे बताइए, ये कह रहे हैं अजान से सर दर्द होता है। महोदय, जरा इस बात को बताइए कि जब बेरोजगारी से नौजवान चिल्ला रहा है तब इनके सर में दर्द नहीं होता, महंगाई से जनता चिल्ला रही है तो इनके सर में दर्द नहीं होता, 1100 के सिलेंडर से बहन बेटियां चिल्ला रही हैं तब इनके सर में दर्द नहीं होता? ऐसा कौन सा सर है जिसमें महंगाई और बेरोजगारी का दर्द नहीं होता? क्योंकि ये तो सारे के सारे अंबानी, अडानी, टाटा बिरला के समर्थन वाले लोग हैं भैया। 5 किलो राशन पे तो गरीब जनता जिम्मे वो है, आश्रित है। ये लोग तो करोड़पति खरबपति आदमी है, इनको क्या फर्क पड़ना, इनको कोई फर्क नहीं पड़ना। इसीलिए इनका तो काम यही है कि हिंदू मुसलमान को लड़ाकर अपनी सियासत की रोटियां सेकें और इस सियासत की रोटी में हिंदू और मुसलमान का गला घुटवा दें। कुछ उपाय है, कोई इलाज है आपको? हाँ, सरदर्द का एक बहुत बढ़िया इलाज है। जिसको सरदर्द ज्यादा ही हो रहा है वो सबसे बढ़िया है कि इनका सरदर्द का एक ही इलाज है कि देश की जनता इनको चुनाव जिताने के बजाय इनकी जमानत भी जब्त करा दे, इनका सर का दर्द एकदम फिट हो जाएगा। अभी ये लोग सोच रहे हैं, क्योंकि ये भाजपा से जो है पूर्व सीएम भी रहे हैं ना, तो ये सोच रहे हैं कि ऐसी बयानबाजी करेंगे तो बीजेपी दोबारा भी क्या पता इनको सीएम या मुख्यमंत्री बना दे, क्योंकि भाजपा में जो जितना लुच्चा है वो उतना ऊंचा है। मोदी जी पकड़, सुन लीजिए, लगता है आपको लग रही है तो चले जाइए मोदी जी के बनाए शौचालय में, थोड़ी देर लगी हुई को रोक लीजिए। बेरोजगारी की बात कर रहे हैं, अरे भैया एक बात
आप मुझे बताइए उसमें है स्थिति में है हिंदू राष्ट्र बन रहा है देश हिंदू राष्ट्र बनना है क्या हिंदू राष्ट्र बनना है मोदी जी सेखों के हाथ पकड़ रहे हैं आप कह रहे हैं हिंदू राष्ट्र बनना है कैसा हिंदू राष्ट्र बनना है मोदी जी जाके सेखों के हाथ पकड़ रहे हैं वहां जा रहे हैं और अभी पाकिस्तान से कुछ लोग भी यहाँ पर आने वाले हैं उनके अधिकारी जो हैं वो मेरे को पूरी तरीके से वेरीफाइड नहीं है रक्षा मंत्री या फिर कोई जो टीम है जो विदेश मंत्रालय की वो यहाँ आ रही है आप कह रहे हैं हिंदू राष्ट्र बनना है अरे आप हिंदू राष्ट्र में एक बात आप मुझे बताइए हम लोगों ने ठेका ले रखा है अमित शाह जी का बेटा नहीं बनाएगा जैसा हिंदू राष्ट्र वो नहीं है उसके पास ठेका जैसा के पास में जैसा को क्या है बताइए ना जैसा के पास में क्या क्वालिफिकेशन है उसके पास में जैसा से भी बनवा लीजिए हिंदू राष्ट्र शिवराज सिंह चौहान के बेटे से बनवा लीजिए हिंदू राष्ट्र या सारा हिंदू राष्ट्र बनाने का ठेका गरीब हिंदुओं के बच्चों ने ले लिया है बताइए ना आप दलितों को एक समान अधिकार देते नहीं है आपकी कोशिश ये है हिंदू मुसलमान बहुत दिन लड़ा लिया अब दलित और स्वर्णों को लड़ा दो ये आपकी राजनीति है ये आपकी राजनीति हरगिज नहीं चलेगी ठीक है ना और मोदी जी जिस आप जिन लोगों को लड़ाना चाह रहे हैं ना वो देश बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान से चलता है और इस देश के लोग अब आपकी बात में आने वाले नहीं है आपकी पार्टी में जितने नेता नहीं है ना उससे ज्यादा डिग्री अंबेडकर साहब के पास थी ठीक है ना नहीं नहीं मैं आपको बता तो रहा हूँ सुन तो लीजिए आप गुरु बन रहा है अरे विश्वगुरु कैसा बन रहा है पता है हमें कैसा किस तरीके का विश्वगुरु बनना है चाइना का नहीं नहीं विश्वगुरु कैसे बनना है किस प्रकार से विश्वगुरु बनना है बेरोजगारी से जनता त्रस्त है 1100 का सिलेंडर लेने से विश्वगुरु बन जाएगा है आप एक काम करिए 1100 का सिलेंडर लेने से अगर विश्वगुरु बन जाएगा तो एक काम करिए ना पहले भारत को विश्वगुरु ही बना लीजिए सारे नेता मंत्रियों की पेंशन बंद कर दीजिए और विश्वगुरु बना दीजिए शर्मा इस्लाम कबूल कर लिया क्योंकि आप हमेशा मुसलमानों के फेवर की बातें करते हैं पहली बात तो ये कि सुनिए अगर मैं आपसे ये बात कहूँ कि आपने जो है हिंदू धर्म को ज्वाइन कर लिया फिर आप एक बात मुझे बताइए नहीं एक बात आप नहीं मेरी बात सुन लीजिए मेरी बात एक पहले मेरी बात सुनिए एक बात सुनिए अपने शब्दों की मर्यादा रखिए ठीक है और अपनी औकात और अपने पजामे के अंदर रहकर बात करिए ठीक है ना अपने इस पजामे से बाहर निकलेंगे ना तो ध्यान रखिएगा कि आप पत्रकार होंगे बिल्कुल आपकी पत्रकारिता जब एक लहजे तक चलती है ना तभी लोगों को पसंद आएगी नहीं तो जिंदगी भर ऐसा मुकदमा लगेगा ना कि जिंदगी भर ना बच्चे भी हो जाएंगे ना तब भी कोर्ट का चक्कर लगाना नहीं छोड़ेंगे ठीक है ना होता है ना उस तरीके से तो मैंने नहीं एक बात आप मुझे बताइए नहीं नहीं आप एक बात मुझे बताइए मैंने कहा कि आज इनको मस्जिद की अजान से सर में दर्द हो रहा है कल को मंदिर की आरती से भी दिक्कत होगा मैंने तो दोनों को लेकर नहीं नहीं अभी एक मिनट सुनिए अभी मैं कह दूं ना कि हाँ हाँ ईश्वर अप्पा ने जो बयान दिया है बिल्कुल सही दिया है तब मैं हिंदू राष्ट्र का प्रमाण दे दूंगा ये बेवकूफी वाले सवाल ना उस आरएसएस वाले कार्यालय में जाके पूछिएगा या हिंदू राष्ट्र की खंडन करेंगे तो एक बात आप मुझे बताइए इसका महोदय का नाम है मेहताब आप हैं आप मुसलमान हैं ये बताइए ना आप ये बताइए आप मुसलमान हैं आप क्यों कर रहे हैं कटकट आप सुनिए ना आपका आप भी तो मुसलमान हैं आप ये बताइए ना आपका क्या राय है इस बारे में ये ऐसे पत्रकार हैं कि अगर कोई व्यक्ति देश और समाज में जहर घोलने वाले बयान दे तो इनको सहमति है ये वसीम रिजवी का छोटा भाई है मेहताब ये समझ लीजिए ऐसे क्या होता है ऐसे कैसे ये क्या होता है ये ऐसे कैसे ऐसे ऐसे जैसे जैसे तैसे तैसे वो आपको सब समझ में आ जाएगा ठीक है ना जिस प्रकार से ये देश की अस्मिता एकता अनेकता और भाईचारे को खराब करने का प्रयास करते हैं एक बात आप मुझे बताइए आज अगर मेजोरिटी में हिंदू हैं तो ये लोग कहते हैं कि अजान से सर में दर्द हो रहा है अगर मैं आपको बता दूं यही लोग अगर आज मुसलमान मेजोरिटी में होते तो ये लोग कहते हैं बीजेपी वाले चुनाव जीतने के लिए कि आरती से सर में दर्द हो रहा है क्योंकि इनको वोट चाहिए जो संख्या में ज्यादा है उनका वोट चाहिए इसीलिए तो ये लोग कह रहे हैं कि इनके अजान से इनके सर में दर्द हो रहा है वरना इनकी पार्टी के नेता दामाद मुसलमान पकड़ कर ला रहे हैं शाहनवाज हुसैन से पूछिए जरा ईश्वर अप्पा जी वो भी तो मुसलमान है अरे चुप रहिए बागेश्वर के चेले चुप रहिए बागेश्वर के चेले चेले और बागेश्वर चुप रहिए सुन लीजिए पहले जरा एक बार शाहनवाज हुसैन से तो पूछ लीजिए ईश्वर अप्पा जी उनके वो भी तो मुसलमान है वो भी तो अजान करवाते होंगे वो भी मस्जिद में जाते होंगे नमाज भी पढ़ते होंगे उनकी अजान से आपके सर में दर्द नहीं होता कहां से होगा वो भाजपा के दामाद हैं और भाजपा से नेता भी बनते हैं मंत्री भी बनते हैं सुन लीजिए क्या दिक्कत है इसके अलावा मुख्तार अब्बास नकवी वो भी मुसलमान है ईश्वर अप्पा जी उनसे कहिए ना जाकर कि वो नमाज पढ़ते हैं नहीं पढ़ते हैं अजान पढ़ते हैं नहीं पढ़ते हैं अजान सुनते हैं नहीं सुनते हैं इस देश की खूबसूरती अजान और आरती से ही है देश की खूबसूरती को बर्बाद ना करें जय हिंद जय भारत वंदे मातरम।